केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता के राहत देने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। जिसका उदाहरण प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पेश किया बजट है। बजट में सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान दिया है। यह बातें सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के सिंचाई और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रयागराज के कुंभ में, अविरल गंगा में देश और विदेश के लोगों ने डुबकी लगाई, कहीं भी गंगा में गंदगी देखने को नहीं मिली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों के गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ 100 रुपये बोनस देने का काम योगी सरकार ने किया है। इससे किसानों को अपने उत्पादन का अधिक लाभ मिल सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सर योगी सरकार ने जो बजट पास किया था, क्या खास जोर दिया गया किस बारे में? देखिए, इस ये बजट का विशेष अंदाज में आपको बताऊं, ये पिछली बजट की तुलना में 12% हर विभाग में अधिक है। और ये बजट ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया, सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। दुनिया में बहुत देश तरक्की करते हैं जो सिंचाई पर ज़्यादा बजट खर्च करते हैं, और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में कृषि तीसरे स्थान पर है। पहले हरियाणा और पंजाब के बाद बहुत नंबर हमारा पाँचवा नहीं, हमारा 10वें नंबर पर थे। आज हम योगी जी के नेतृत्व में हम तीसरे स्थान पर कृषि आ गई है। खाद और बीज के साथ सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, मतलब दूसरा सफाई, सिंचाई, पढ़ाई और कमाई, दवाई, ये सब चीज़ों पर जो व्यवस्थाएं दी हैं, इन व्यवस्थाओं पर काम कर रही है सरकार। और आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक विशेष उत्साह है मोदी जी को लेकर, और 24 पूर्वांचल में भी विशेष उत्साह है। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। स्नान करने के लिए हड़ताल करते थे, शाही स्नान नहीं करते थे कि हम स्नान नहीं करेंगे, कि पानी गंदा है, ठहरा हुआ है। इस बार किसी अखाड़े ने हड़ताल नहीं की स्नान को लेकर और किसी भी व्यवस्था को लेकर। दूसरा, ये जल हमने टेहरी डैम से छोड़ा है। ये जल हमने 31 दिसंबर को छोड़ दिया था, वहाँ से छोड़वा दिया था। प्रयागराज आते आते 15 दिन लगते हैं। 10,000 क्यूसिक पानी निरंतर चल रहा है, हम 4 मार्च तक देंगे। तो कुंभ में हमने अविरल और निर्मल जल दिया है स्नान के लिए। पिछली सरकारों में घुटनों तक, कमर तक पानी नहीं दिया रहता था, घुटनों तक रहता था, इस बार हमने कमर तक पानी दिया है। और इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुंभ को दुनिया के मानचित्र पर लाकर, दुनिया के लोग, दुनिया के देशों के लोग आए, हर व्यवस्थाएँ ठीक ठाक रहीं। कुंभ में जो गया उसने प्रशंसा ही करने का काम किया है। धन्यवाद। हाँ, ये भी गेहूँ खरीद के लिए पहले 1735 रुपया समर्थन मूल्य, इस बार पहली बार मोदी सहयोगी सरकार ने किसान को 100 रुपये बोनस के रूप में प्रति कुंटल दिया है। अब 1840 रुपये प्रति कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, ये पहली बार किया गया।